हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के हिंदी गद्य खंड के फर्स्ट चैप्टर शर्म विभाजन और जाति प्रथा के टॉप 20 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे 2022 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1991 को। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन व्यक्ति रहे। सातवां क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग। चलिए आठवां क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक। चलिए दसवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दसवां क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ललई सिंह यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बारह नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ है उपहास। चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का
पार्य क्या है, सच्चे लोकतंत्र का पार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर ए जाति, ऑप्शन नंबर बी सुशासन, ऑप्शन नंबर सी भाईचारा और डी नंबर कानून व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर भाईचारा, भाईचारा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले। चलिए 16 नंबर बनाए कि पुस्तक की कितने खंडों में प्रकाशित हुई, कितने खंडों में प्रकाशित। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में प्रकाशित हुई। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना के प्रेरक व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। 19 नंबर क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा नरेश। 20 नंबर क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है, बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।